हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 साल के बच्चे के लिए पार्टी वेयर फ्रॉक बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले लिया है डिज़ाइनर कपड़ा, उसके बाद में ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया है और ऑर्गेन्जा के कलर का ये सैटिन लिया हुआ है और साथ ही में लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घेर से। तो ये देखिए, मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है और अब इसको मैं इस तरह से क्रॉस फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे हमें क्रॉस में 4 फोल्ड मिल चुका है और अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे ऊपर के लेयर का अम्ब्रेला कट हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यानी कि जो चेस्ट का 1/3 पार्ट होता है उसे यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे 7 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और इसको हम यहाँ पे हल्का गोल शेप दे देंगे। और यहाँ से नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे 9 इंच पे, यानी कि 8 इंच हमें यहाँ पे रेडी चाहिए और उसके साथ में 1 इंच हम सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। तो हम यहाँ पे इसे 9 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी गोलाई में हमें इसे 9 इंचेस में मार्क करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये डॉट्स को हम जोड़ के एक लाइन बना के लेंगे। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ से कट करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट करके लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसे को हम 2 पीस में कट करके लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने सैटिन का कपड़ा लिया था उसमें भी हम इसी तरह से अम्ब्रेला कट कट करेंगे। तो इसे भी हम सेम पीस को रखते हुए कट करेंगे, लेकिन लेंथ में हम क्या करेंगे, इसको इससे 4 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट करके लिया हुआ है। जो ऊपर वाला है वो 9 इंचेस है और नीचे वाला हमने 13 इंचेस लिया हुआ है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट कट करते हैं, जो हम ऊपर का लेयर लेंगे, यानी कि जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा है उसका हम जो फ्रिल्स बनाएंगे उसे कट करेंगे। तो इसके लिए भी हमने क्रॉस में 4 फोल्ड लिया हुआ है कपड़े को। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से 10 इंचेस पे मार्क करके लेंगे। 10 या चाहे तो आप 11 इंचेस भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हम पहले मार्क करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे नीचे की तरफ 6-6 इंच के डिस्टेंस में और 3 बार हम मार्क करेंगे। तो ये देखिए, 6-6 इंच के डिस्टेंस में हमने यहाँ पे और 3 बार मार्क किया हुआ है और इसे अब हम कट करके लेंगे। तो ये देखिए, कट करने के बाद में इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक एक के दो दो पीसेस आए हुए हैं, जो फ्रंट और बैक दोनों तरफ में हमें लगाने के लिए काम आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन सारे पीसेस में नीचे की तरफ से पीको करना है या फिर आप फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। और इसके साथ ही में जो हमने सैटिन और जो डिज़ाइनर फैब्रिक लिया था उसमें भी हम नीचे की तरफ से पीको करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे साटिन के कपड़े में पीको करके लिया हुआ है और वहाँ से नीचे की तरफ से हमने 2.5-2.5 इंच पे 3 सर्कल्स मार्क किए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया था उसको हम इसके ऊपर सिलाएंगे। तो ये देखिए, इसको उल्टा रखते हुए यहाँ पे हमें इस लाइन पे सिलाई लगानी है और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सीधी तरफ मोड़ के एक और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे पीसेस करने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको अटैच करके लिया हुआ है। एक साइड में 3 लेयर्स लगाने हैं और उसके बाद में हम इसके ऊपर जो डिज़ाइनर फैब्रिक हमने लिया था उसे सिला के अटैच कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। तो ये देखिए, हमने बॉडी की मार्किंग की हुई है। बॉडी की लंबाई हमने रखी है 9 इंचेस, जो कि रेडी 8 इंच रहेगा। नेक यहाँ पे हमने मार्क किया है 2.5 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 2 1/4 इंच। इसका शोल्डर भी हमने 2 1/4 इंच ही लिया हुआ है। इसका आर्मोल हमने लिया हुआ है 4.5 इंच और जो चेस्ट है वो रेडी 22 है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच के साथ में 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 6.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। और जो वेस्ट है नीचे की तरफ, उसको 0.5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यानी कि 6 इंच पे मार्क किया है। अब हम इसको कट करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट किया हुआ है। तो इसमें से हम बैक को सेपरेट करके लेंगे और फ्रंट आर्मोल और नेक को कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट करके रेडी किया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने डिज़ाइनर फैब्रिक लिया था उसमें इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट करके लिया है। फ्रंट और बैक दोनों भी हमने कट किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट का सीधी तरफ है उसके ऊपर हम लाइनिंग को रखते हुए क्या करेंगे, गले में और आर्महोल में सिलाई लगा के लेंगे। और इसके साथ ही में जो हमने बैक पार्ट लिया था उसको भी हम सीधी तरह से रखते हुए
उसके ऊपर लाइनिंग को रख के सिर्फ गले में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के ली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नॉचेस लगा के लेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम इसको सीधी तरफ मोड़ के लेंगे, और इसको सीधी तरफ मोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने आर्म होल और गले में सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा बैक पार्ट है उसके अंदर इस तरह से रखते हुए इसके शोल्डर और आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट है उसको बीचों बीच से कट करते हुए इसमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसमें जिप लगा के लिया हुआ है। तो इस तरह से हमारी बॉडी तैयार है। अब हमने क्या किया हुआ है, इससे के लिए एक बेल्ट बना के लिया हुआ है। तो इस बेल्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए ऊपर नीचे से सिलाई लगा के लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने घेर रेडी करके लिया था इसको इसके ऊपर उल्टा रखते हुए हम इससे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों तरफ से भी इसको रखते हुए सिलाई लगा के ली है। और यहाँ पे हमने लाइनिंग लगाते हुए जो बुकरम है उसको भी इसमें अटैच किया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टी तरफ से घुमा के लेंगे और जो सीम अलाउंस हमने रखा था उसके साथ में यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा देंगे। और अगर आप बेल्ट बनाए हुए हैं तो उसको इसमें पहले से ही बीच में रख के लें, बेल्ट को अंदर की तरफ से रखते हुए हम इसको पकड़ के सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लगने के बाद में हमारा जो फ्रॉक है वो बनके तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, इस फ्रॉक के लिए हमने इस तरह से एक बो बनाया हुआ है जिसके ऊपर एक फ्लावर भी है। तो अब हम इसको इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।